हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट अकाउंटेंट का कोर्स हम यहां पे पढ़ रहे हैं और आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी हमसे जुड़ के हमारे संग तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कोर्स से रिलेटेड या फिर कोई भी आपकी क्वेरीज़ होगी सिलेबस से या किसी भी चीज़ के आपको जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमने पूरा कोर्स बनाया हुआ है आपके लिए और आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा वेदर्शी लर्निंग ऐप पे, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑडिटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑडिटिंग हम आज पढ़ने वाले हैं। ऑडिटिंग का मतलब आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, ऑडिटिंग आपने पहले भी पढ़ी होगी। ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है? हम आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, जैसे अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, हिसाब किताब बनाते हैं अलग अलग कंपनीज़ का या पार्टनरशिप का या किसी भी तरीके के बिज़नेस के हम हिसाब किताब बना रहे हैं। अब ऑडिटिंग में क्या होता है कि जो आपने हिसाब किताब बनाया है, जो आपने अकाउंटिंग करी है, तो वो अकाउंटिंग कितनी जेन्युइन है, कितनी ऑथेंटिक है, क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो सही बनी है नहीं बनी है, वो चीज़ चेक करी जाती है ऑडिटिंग में। तो ऑडिटिंग में सिंपली क्या होता है, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स होता है, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स होता है कि जो आपके अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हैं, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो आपकी बैलेंस शीट है, जो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस दिखा रही है, वो किस हद तक सही है। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट्स ही गलत बने हैं, किसी जने ने ज़बरदस्ती प्रॉफिट दिखा रखा है जबकि मान लीजिए लॉस हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि गलत अकाउंट्स हैं, तो वो ऑडिटिंग में वो चीज़ पकड़ी जाएगी, ठीक है। तो ऑडिटिंग में हम क्रॉस चेक करते हैं वाउचर से, डॉक्यूमेंट से और भी बिल्स वगैरह, इन चीज़ों से कि भाई ये कोई चीज़ एसेट लिखा है तो एसेट एक्चुअल में है कि नहीं है, और इसको ख़रीदा तो कितने में ख़रीदा था, इसका बिल होगा, तो उससे सारे ट्रांजैक्शंस को टैली किया जाता है, ठीक है, जिससे हमें पता लगे कि हमारे अकाउंट सही प्रिपेयर है नहीं है। तो ऑडिटिंग के बाद ही क्या होता है कि हमें एक्चुअल में पता लगता है हमारे बिज़नेस की ट्रू पिक्चर की क्या है, क्योंकि अकाउंट्स बन तो चुके हैं, फिर अकाउंट्स चेक भी हो जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई सच में इतना प्रॉफिट है या इतना लॉस है हमको हुआ है। तो ऑडिटिंग की एक डेफिनेशन आप हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ऑडिटिंग होती क्या है। ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, एन ऑडिट इज द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। ऑडिट में क्या होता है, एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन किया जाता है, मतलब आप एग्जामिन करते हो कि कोई चीज़ सिस्टमैटिकली बनी है नहीं बनी है, और वो एग्जामिनेशन का तरीका भी सिस्टमैटिक होता है। क्या चीज़ हम एग्जामिन कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स होगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम एग्जामिन कर रहे हैं, अंडरटेकन विद अ व्यू ऑफ एस्टैब्लिशिंग वेदर द कंप्लीटली एंड करेक्टली द ट्रांजैक्शन, वेदर द कंप्लीटली एंड करेंटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। कि इसलिए हम कर रहे हैं इस व्यू में कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्लीट हैं और वो करेक्ट हैं, कि कम्प्लीटली और करेक्टली वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे ट्रांजैक्शंस को, कि जो भी हमने ट्रांजैक्शंस करे हैं कि एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं है, कि हमारे ट्रांजैक्शन कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहे हैं, तो वो चीज़ हम चेक करते हैं ऑडिटिंग में। तो ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडरटेकन विद अ व्यू ऑफ एस्टैब्लिशिंग वेदर द कम्प्लीट एंड करेक्ट, कम्प्लीटली एंड करेक्टली रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। वेदर इट कर लीजिए आप इसको, वेदर इट कम्प्लीटली एंड करेक्टली रिफ्लेक्ट्स ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। तो ऑडिटिंग का मीनिंग अब क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं, आप कोई और डेफिनेशन भी रेफर कर सकते हैं। तो ये भी एक कम्प्लीट डेफिनेशन है जो आपको बता रही है कि यहाँ पे एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप ये चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रांजैक्शन आपने छोड़ दिए, मान लीजिए आपने प्रॉफिट वाली चीज़ें सब लिखी, किसी चीज़ में आपको लॉस हो रहा था वो लिख ही नहीं रहे हो, तो वो गड़बड़ है, और जो चीज़ आप लिख रहे हो करेक्ट भी है, मान लो कुछ और ही अमाउंट थी आप कुछ अलग ही अमाउंट लिख रहे हो, तो करेक्टली भी होना चाहिए। तो ये चीज़ चेक करी जाती है कि हर चीज़ कंप्लीट है और करेक्ट है, ठीक है, अगर वो चीज़ सही है तो हमें पता लग जाता है कि वो ट्रू तरीके से हमारे ट्रांजैक्शंस को दिखा रहा है बिज़नेस के, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम ऑडिटिंग और डेप्थ में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने ऑडिटिंग का मीनिंग समझ लिया है, अब देखते हैं कि ऑडिटिंग का नेचर क्या होता है। तो नेचर या फिर आपसे फीचर्स पूछा जाए तो भी एक ही बात होती है, नेचर या फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है। तो देख लेते हैं एक एक करके कि क्या फीचर्स हैं ऑडिटिंग के।
पहला फीचर है कि ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स। तो ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिटिंग में आप सिस्टमैटिक तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हो, ठीक है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका होता है कि कैसे आप चेक करोगे कि आपके अकाउंट सही बने हैं कि नहीं बने हैं। और दूसरा, साइंटिफिक कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे आप ये चेक करते हो कि भाई आपके अकाउंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि इसमें एग्जामिनेशन होता है, मतलब चेक करते हैं हम ऑडिटिंग में, ठीक है। उसके बाद है ऑडिट जो होती है आपकी, ऑडिट इज अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन देखिए ऑडिटिंग जो है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन, मतलब एक जना भी ऑडिटिंग कर सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई सीए आपका ऑडिट कर सकता है, या ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकता है, कि कुछ एक टीम हो सकती है आपकी ऑडिटिंग की जो आपको ऑडिटिंग का पूरा आपका काम करे, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, ऑडिट इज वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो आपके रिजल्ट्स होते हैं बिजनेस के, रिजल्ट क्या होते हैं कि जो आपने बिजनेस किया है पूरे टाइम उससे आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या आपके एसेट्स लाइबिलिटीज की पोजिशन कैसी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें रिजल्ट्स में आती है। रिजल्ट्स में मेनली आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ये देखना होता है कि आपका जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है एक्चुअल में वो वेरीफाई हो पाए, मतलब वो चेक हो पाए कि भाई ये आपका सही प्रॉफिट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। कि मान लीजिए आपका प्रॉफिट अकाउंट्स में कुछ और आ रहा है और आपने एक्चुअल में पैसे कुछ और कमाए हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसका भी वेरिफिकेशन होता है, उसका भी चेक होता है कि आपका प्रॉफिट एकदम सही है। ऑडिट इज डन बाय डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स। अब देखिए मैं तब से आपसे कह रहा हूँ कि ऑडिट में हम चेक करते हैं कि अकाउंट सही बने हैं या नहीं बने हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई चेक करते कैसे हैं, ठीक है। तो चेक कैसे करा जाता है, आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन जो है तो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट होगा। अगर आपने कोई एसेट परचेज करा है तो आपके पास कोई बिल होगा, या कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई सेल हुई है तो उसका कोई वाउचर होगा, बिल होगा, ठीक है। तो कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट या वाउचर जो है उससे हम चेक करते हैं कि मान लीजिए एसेट लिखा है इतने का, फिर हम चेक करेंगे डॉक्यूमेंट में कि भैया इसका बिल है तो बिल उतने का है, हाँ तो फिर मतलब ठीक है, तो वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से ऑडिट में हम अलग अलग ट्रांजैक्शंस को चेक कर लेते हैं कि उनका कोई सोर्स एविडेंस होना चाहिए, कि हम पे कोई भाई एविडेंस होना चाहिए कि कोई ट्रांजैक्शन हमने लिखा है तो क्यों लिखा है। तो उसके पीछे के डॉक्यूमेंट्स या फिर वाउचर्स हम वो चीज़ चेक करते हैं। अब अगला है आपका ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। देखिए ऑडिटर को अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो पूरे ठीक ठाक बने हुए हैं। सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए कि एक तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है अपने आप को कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, मतलब वो ठीक हैं, ठीक है। और दूसरा उसको रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है। देखिए ऑडिटर एक रिपोर्ट भी बनाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर बाद में वो एक रिपोर्ट बना के दे देता है कि हाँ भाई ये सही बना हुआ है। एंड रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर एंड रिपोर्ट दे एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, अब हम समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या कह रहा है कि ऑडिटर हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब ऑडिटर को अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना है कि भाई मैंने अकाउंट चेक कर लिए, मैंने देख लिया कि भाई हाँ सारे अकाउंट्स ठीक बने हैं, सारे अकाउंट्स ऑथेंटिक है, ठीक है। पहले तो ये होना है, उसके बाद उसको एक रिपोर्ट भी तैयार करनी है कि फिर उसको रिपोर्ट करना है कि हाँ ये बिज़नेस ठीक चल रहा है और इसकी जो भी अकाउंट्स है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही पिक्चर दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल अकाउंट्स बिल्कुल सही है। तो एक ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके दे देता है कि ऑडिटर रिपोर्ट है ये। तो हमने पांच फीचर्स देख लिए, अब एक एक करके सबको सम अप कर लेते हैं। सबसे पहला है कि अकाउंटिंग क्या होता है, सॉरी ऑडिटिंग क्या होता है, एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से एग्जामिनेशन करना होता है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से आप चेक करते हो अकाउंट्स को। दूसरा है कि इसको एक इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब एक जना भी कर सकता है, और दूसरी बात कि बॉडी ऑफ पर्सन मतलब एक टीम भी कर सकती है, एक बॉडी ऑफ पर्सन भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है कि ऑडिटिंग इज वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, कि हम इसमें वेरीफाई करते हैं कि आपका जो रिजल्ट आया है, जो प्रॉफिट लॉस आया है, उसको चेक किया जाता है। फोर्थ इज ऑडिटिंग इज डन बाय डॉक्यूमेंट्स और वाउचर। अब ऑडिटिंग करने में हमें डॉक्यूमेंट्स, वाउचर या बिल्स जिसे हम कहते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है चेक करने के लिए। और लास्ट पॉइंट अभी हमने देखा कि ऑडिटर अपने आप को फिर सेटिस्फाई करता है कि सारे अकाउंट्स प्रॉपर बने हैं, वो चेक कर लेता है और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार कर देता है कि ये बिज़नेस की ट्रू पिक्चर आपको सारी मिल रही है और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही बने हुए हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने नेचर और फीचर्स डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि आपका गोल क्या है जब आप ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भैया आप क्या चीज़ चाह रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग के, ऑडिटिंग का हमारा गोल क्या होगा, इसको मैं दो पार्ट्स में आपको समझाता हूँ। तो पहला इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग का क्या है वो मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू रिपोर्ट टू द ओनर्स द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस रिलेटिंग टू बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, कि भाई उसके बिजनेस के ओनर्स को वो ये बता दे कि आपकी जो अकाउंटिंग हुई है, आपका जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर्ड है, उसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल सही ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपके बिजनेस की दिखा रहे हैं, ठीक है। ताकि भैया ओनर्स को ये हो जाए भरोसा कि भाई मैंने जो अकाउंट्स बनाए, जो अकाउंटिंग करी है, वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई चीज़ को गलत नहीं दिखाया गया अकाउंट्स में, और जो भी सारे फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सारे सही सही डिस्क्लोज्ड हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि PNL में कोई गलती ना हो, ठीक है, बैलेंस शीट में कोई गलती ना हो, गलती या जानबूझ के कोई फ्रॉड या कोई मिस इंटरप्रिटेशन या किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ ना हो, हर चीज़ ट्रू एंड फेयर हो। किस चीज़ में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो आपको आपका साल के एंड का प्रॉफिट या लॉस बताएगा, आपको अपनी इनकम बताएगा, और बैलेंस शीट में भी, क्योंकि बैलेंस शीट आपको पोजीशन बताने वाली है आपकी किसी भी ईयर के एंड में। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो मेन तो काम ऑडिटिंग का यही है कि PNL और बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक ठाक बने हो। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आपके पास दो हैं यहाँ पे। पहला है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन
डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। तो पहला आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, कि आपको कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है अकाउंट्स में, आपको ये डिटेक्ट करना है। एक तो आपको डिटेक्ट करना है मतलब आपको पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है कि कहीं कोई फ्रॉड हो तो नहीं रहा है, पता लगाना है। और दूसरी बात क्या है, प्रिवेंशन, कि आपको प्रिवेंशन के भी मेथड्स अडॉप्ट करने हैं कि भैया आप आगे भी कोई इस तरीके का फ्रॉड ना हो, क्या किस तरीके से आप फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसका पता लगाना या उसको ठीक करना, करेक्ट करना, उसको प्रिवेंट करना फ्रॉड्स को, कि कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो नहीं आ रहा है या कोई चीज़ गलत तो नहीं दिखा रहे हैं जानबूझ के। ठीक है, और अगला होता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो संग संग ही आपको ये दोनों याद रहेंगे क्योंकि दोनों थोड़े एक से हैं। अगला वाले में सिर्फ ये फर्क है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। इसका क्या मतलब है कि एरर्स मतलब गलतियाँ, तो गलतियाँ डिटेक्ट करना, कोई गलती तो नहीं हो रही है कहीं। ठीक है, और प्रिवेंशन मतलब फिर उस गलती को ठीक करना या वो आगे नहीं हो, उस गलती को करेक्ट करना, वो सब चीज़ें। तो ये दोनों सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हैं कि भाई फ्रॉड का पता लगाना, उसको ठीक करवाना, गलतियों का पता लगाना, उसको ठीक करवाना। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो फ्रॉड में भी हम गलत लिख रहे हैं कुछ, एरर्स का मतलब भी यही है कि हम कोई चीज़ गलत लग रहे हैं। ठीक है, तो हमने कोई गलत चीज़ कर दी मतलब अकाउंट में, दोनों गलती हैं, लेकिन एक फ़र्क है दोनों में। वो क्या फ़र्क है, फ्रॉड जो होता है वो इंटेंशनली होता है, इंटेंशनली मतलब आप फ्रॉड हुआ है मतलब किसी ने जानबूझ के किया है, मतलब किसी ने जानबूझ के अकाउंट्स को गलत दिखाने की कोशिश करी है, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी है, प्रॉफिट कम दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने टैक्स को बचाने के लिए या किसी भी रीज़न से, तो जानबूझ के अगर हो रहा है तो दैट इज़ अ फ्रॉड। ठीक है, लेकिन अगर गलती से, एरर का मतलब गलती है, और ये गलती कौन सी है जो गलती से हो जाती है, तो ये गलती से गलती को आप कहोगे एरर्स, और ये होता है अनइंटेंशनली, मतलब ये जानबूझ के नहीं हो रहा है, गलती भी हो सकती है क्योंकि अकाउंटिंग हो रही है, लोग ही अकाउंटिंग कर रहे हैं, इंसान से गलती होती है, तो गलती अगर हो गई है आपसे तो वो अनइंटेंशनली है। ठीक है, तो गलती भी आपको ढूंढनी है, उसे भी ठीक करना है, और आपको फ्रॉड अगर कोई जना कर रहा है वो भी आपको ढूंढना है, उसे भी ठीक करवाना है। तो ये हो गए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर पढ़ लिए। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट सही सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारे दो हैं कि भाई फ्रॉड्स ना हो जाएं उनको ठीक करो, और कोई एरर्स ना हो जाएं, अगर वो हो जाएं तो फिर उनको ठीक करो। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है ऑडिटिंग, उसके नेचर और फीचर्स के बारे में। इसके आगे के टॉपिक्स हम आगे के वीडियोस में आपके लिए कवर करते रहेंगे, लेकिन अगर आप ये सारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपको ये सारे लेक्चर्स वेदाश्री लर्निंग ऐप में मिल जाएंगे। वहाँ पे हमने इसका पूरा कोर्स बना रखा है जिसको आप पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या डाउट्स है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।